पैरानॉर्मल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, आज की हमारी कहानी हर्ष की है। हर्ष एक कंपनी में नाइट गार्ड का काम करता था और लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी चली जाती है। वो कुछ दिन तो किसी तरह बिता लेता है और फिर उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होने लगती है। उसके पास खाने पीने का भी पैसा नहीं रहता है। उसकी फैमिली बहुत तकलीफ में थी और फिर हर्ष नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं देता है। पर जब वो वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, उसे एक आदमी बहुत हड़बड़ाहट में दिखाई देता है और फिर हर्ष उसके पास जाकर नौकरी के लिए पूछता है। वो उसे नौकरी देने के लिए राजी हो जाता है और फिर वो आदमी शहर छोड़कर चला जाता है। हर्ष को सिर्फ उस आदमी की घर की रखवाली करनी थी और इसके बदले उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता। हर्ष उसी शाम से उस आदमी के घर पर चला जाता है और वहाँ पहरेदारी करने लगता है। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर जब रात के 11 बजते हैं तब उसे अजीब आहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई रूम में चल रहा हो। पहले तो वो इस आवाज़ को इग्नोर कर देता है और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगती है। हर्ष को लगता है कि ये कोई चोर होगा और वो तुरंत घर के दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसका पैर फिसल जाता है और उसके बाद वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की कमरे में अकेले बैठी हुई है और फिर वो एक बॉल से खेलने लगती है। हर्ष को लगता है कि ये लड़की यहीं छूट गई होगी और फिर वो धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की गायब हो जाती है। हर्ष चारों ओर देखने लगता है पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती है और अचानक वो लड़की हर्ष के पीछे खड़ी हो जाती है। यह देखकर हर्ष बहुत डर जाता है और तुरंत दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा लॉक हो गया था। हर्ष बहुत कोशिश करता है पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। अंत में हर्ष बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने आप को लोगों से घिरा पाया मिलता है। हर्ष बहुत डरा हुआ था और फिर उसे पता चलता है कि पिछले ही दिन यहाँ पे एक बच्ची का कत्ल हो चुका था और उसे मारने वाला एक आदमी था जो वहाँ से तुरंत फरार हो गया है। अब हर्ष को समझ आ जाता है कि जिस आदमी से उसने काम मांगा था वो इस घर का मालिक नहीं, कातिल था और वो हर्ष को फंसाने के लिए ये चाल चला था। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया और हर्ष को वापस अपनी नौकरी मिल गई। हर्ष इस घटना से आज तक नहीं उबरा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हेलो गाइस, फियर फाइल्स की एक और हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची दिल दहलाने वाली घटना लेके आया हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी गौतम की है। गौतम एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। इस बार वो बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाला था, इसलिए वो हर शाम अपने दोस्त के घर चल जाता था ताकि वो अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। एक शाम उसे पढ़ाई के कारण समय का पता ना चला और बहुत रात हो गई थी। जब वो वहाँ से आने लगा तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तभी अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह थोड़ा डर गया था, उसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। वो पायल की आवाज़ अब उसे ज़ोरों से सुनाई देने लगी। वह बहुत डर गया था और तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कोई उसके कंधे पे हाथ रखा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है
तब वो बहुत डर जाता है। वो देखता है कि एक औरत उसके कंधे पर हाथ रखी है और उसे अपनी ओर बुला रही है। वो एक चुड़ैल थी। वो बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। रात बहुत हो गई थी। गौतम के माँ बाप अब गौतम की फिक्र करने लगे थे और वो तुरंत आर्यन को कॉल करते हैं। आर्यन बताता है कि गौतम करीब एक घंटे पहले उसके घर से निकल चुका है और अभी तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। यह सुनकर गौतम के माँ बाप और ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत गौतम को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत खोजने के बाद भी गौतम का कुछ अता पता नहीं चलता है। वो दोनों अब बहुत घबरा जाते हैं और वापस आने लगते हैं। रास्ते में ही उसे गौतम दिखाई देता है एक पेड़ के नीचे और चारों ओर उसके सिंदूर, नींबू, मिर्च पड़ी मिलती है। उसके पिता उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और घर ले जाते हैं। सुबह उसकी नींद खुलती है। उसके माँ बाप उससे पूछने लगते हैं क्या हुआ था कल। गौतम अपने माँ बाप को सभी बात बताता है पर कोई उसका विश्वास नहीं करता है। वो दोनों कहते हैं कि तुम कल रात को शायद आते आते डर गए होगे और इसी कारण तुम बेहोश हो गए होगे। भूत प्रेत जैसी बात कुछ नहीं होती है। गौतम बहुत डर गया था और वो थरथरा रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। गौतम अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है और उसके दरवाजे को ठकठका रहा है। वो बहुत डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुनता है और फिर उसे वही डायन दिखती है जो कल रात उसे दिखी थी। वो बहुत डर जाता है और कांपने लगता है पर फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब चीज़ गायब हो जाता है। सुबह फिर वो अपने माँ बाप को बोलता है पर उसका कोई विश्वास नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है। गौतम अब पढ़ाई करने के लायक नहीं रहता है और वो स्कूल जाना भी बंद कर देता है। बहुत इलाज कराने के बाद भी गौतम के स्वास्थ्य पे कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि गौतम को क्या हुआ है। रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल थी। उसके माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें कोई चारा नहीं सूझता है। फिर अचानक गौतम की किस्मत खुल जाती है। वह कुछ ऐसा देखता है जिसके मारे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह देखता है कि पास के रोड से एक साधु बाबा गुजर रहे हैं। वह सीधे जाता है और उनके चरणों में पड़ जाता है। वह बोलता है कि बाबा, मेरी सेहत बहुत ख़राब हो रही है। ऐसा लग रहा है मुझ पर कोई काला जादू कर रहा है। वह बाबा उसे देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और वह बाबा उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वह गौतम को बोलते हैं कि तुम सीधे अपने माँ बाप के पास मुझे लेके चलो। वो उसके माँ बाप से बोलते हैं कि गौतम की जान खतरे में है, उस पर एक डायन का प्रकोप है। अगर तुम लोग उसकी जान बचाना चाहते हो तो मेरी बात को मानो। गौतम बाबा को पहले ही सब कुछ बता चुका था। बाबा बोलते हैं कि रात के करीब 12 बजे हम उसी पेड़ के नीचे जाएंगे जहाँ गौतम पड़ा मिला था और उस पेड़ को जला देंगे। उस पेड़ में ही उस डायन की आत्मा है। अगर वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा तो वो डायन भी मर जाएगी। रात के करीब 12 बजते हैं और सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही साधु उस पेड़ को जलाने वाला था तभी अचानक वो डायन वहाँ आ जाती है और उसे गिरा देती है। फिर वो साधु अपने शक्ति से उस डायन को अपने कब्जे में कर लेता है और गौतम पीछे से वो पेड़ को जला देता है। वो हरा भरा पेड़ ऐसे जलने लगता है मानो कि वो बरसों से सूखा हो। सब ये देखकर आश्चर्य से चौंक जाते हैं। वो डायन जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है और अंत में वो ख़त्म हो जाती है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब में खुशी की लहर दौड़ उठती है। उस दिन के बाद से गौतम के माँ बाप भूत प्रेत पे विश्वास करने लगते हैं और वो सभी गुरुजी का बहुत धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद से ये सब घटना बंद हो जाती है और बोर्ड के एग्ज़ाम में गौतम अच्छे नंबर से पास हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर आप अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। थैंक यू।